हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिलासफ़र में दोस्तों आज मैं आपके सामने इस फिलिप्स के ट्रिमर का रिव्यू करने जा रहा हूं और किसी चीज़ का आप रिव्यू तभी अच्छा कर पाते हैं जब उसको आप प्रैक्टिकली फेस किए हो मान लीजिए इक्विपमेंट है इसे मैं प्रैक्टिकली यूज़ किया हूँ तो इसके बारे में मैं जानता हूँ उसकी क्या कमियाँ हैं इसकी अच्छाइयाँ क्या है और मैं क्यों इसे यूज़ कर रहा हूँ आपको क्यों रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप क्यों यूज़ करिए क्योंकि मैं इसे अच्छे से जान चुका हूं कि एक किन किन मामलों में अच्छा काम करता है और क्यों हमारे बी के लिए अच्छा होता है, अच्छा से होता है। तो ना करते अपने वीडियो को करते है। दोस्तों को शुरू करते हैं तेईस के आसपास है।, फिलिप्स है इसे हैंडल करने में भी काफी ईजी है काफी आसानी से इसे पकड़ा जा सकता है और इसका मॉडल भी अच्छा लग रहा है कलर भी अच्छा है दोस्तों इसमें सबसे खासियत की मैं बात करूं तो इसका सबसे खास बात है कि सिक्सटी मिनट आप चार्ज करेंगे नब्बे मिनट तक यूज कर सकते हैं पांच से छह बार अपनी दाढ़ी बना सकते हैं अगर पंद्रह मिनट में एवरेज दाढ़ी आप बनाते हैं अपनी ट्रिम करते हैं तो पांच से छह बार आप इससे ट्रिम कर सकते हैं कंपनी भी यही बोलती है कि साठ मिनट चार्ज करिए इसका सबसे अच्छी बात यही है कि चार्जिंग टाइम काफी कम है इसके साथ एक चार्जर आपको दिया गया है जो कि सेवन पॉइंट वाट का चार्जर दिया गया है जो कि नॉर्मल आपका जो भी टू फोर्टी टू ट्वेंटी के आसपास वोल्टेज रहता है उसमें चार्ज हो जाएगा इसके साथ देखिए एक ब्रश दिया गया है जो इसके ब्लेड को साफ करने के लिए एक ब्रश दिया गया है और उसके साथ एक कैरी बैग दिया गया है इसका पाउच है मान लीजिए इसको हैंडल कहीं करना इजिली हैंडल करने के लिए आपको पाउच दिया गया है तो दोस्तों अब इसके मेन फंक्शन की हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या खास है आप डिजाइन मॉडल तो हर चीज देख ही रहे हैं देखिए फिलिप्स का है बहुत ही अच्छा ट्रिमर है जब मैंने इसे परचेस किया था मुझे 1800 के आसपास पड़ा था लेकिन इस समय कीमत इसकी 2000 के आसपास मार्केट में आया ऑनलाइन आपको मिल जाएगा दोस्तों इसमें जो टाइमिंग और साइज रेंज की होती है 0.5 से 10 एम mm के बीच की साइज होती है जो कि यहां पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ जीरो पॉइंट फाइव से स्टार्ट होता है फिर वन फिर वन पॉइंट फाइव ऐसा करते करते टेन पॉइंट तक होते हैं जिसको आसानी से आप मतलब एग्जॉस्ट करते हैं अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इससे क्या होगा ये जो प्लास्टिक कैप लगा इसका साइज बढ़ता रहता है अप होता है फिर डाउन हो जाता है जिसकी वजह जैसा आप करना चाहते हैं ट्रिम करना चाहते हैं वैसे अपनी बी को ट्रिम कर सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पावर की बटन लगी हुई है इस इसमें क्या होता है जब ये डिस्चार्ज होने वाला होता है तो यहां पर रेड सिग्नल आने लगता है मतलब ये रेड जलने लगता है ये जो बल्ब है इसका रेड जलने लगता है जो पावर है और जब चार्जिंग में आप चार्ज मान लीजिए इसको चार्ज जब लगाएंगे तो यहां पर आपको ग्रीन दिखने लगेगा कि मतलब चार्जिंग आपका हो रहा है आप एक घंटे चार्ज करेंगे फुल चार्ज हो जाएगा इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है दोस्तों इसके प्लास्टिक कैप की बात करें काफी इजिली आप निकाल सकते हैं हैंडल कर सकते हैं आसानी से इसके मॉडल की बात कर सकते हैं देखिये काफी अच्छा इसका स्लिक मॉडल है दोस्तों इसमें ब्लेड की बात करें ब्लेड किसी भी चीज का ट्रिमर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ब्लेड जो कि देखिए इसमें टाइटेनियम कोटेड ब्लेड है देखिए गोल्डन कलर का दिख रहा हूँ इस ब्लेड को मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूं इस ब्लेड को आप देख सकते हैं इसको आसानी से आप वॉश कर सकते हैं मशीन से निकाल के आसानी से वॉश करके आप सुखा के फिर से लगा सकते हैं ये देखिए टाइटेनियम कोटेड ब्लेड है जिसकी कारण गोल्डन है और इसमें जंग लगने का बिल्कुल चांस नहीं रहता मैंने खुद प्रैक्टिकली फेस किया जब भी आप ट्रिम करिए इसे धुल के आप फिर से इसमें लगा सकते हैं जिससे क्या होता है जंग भी नहीं लगता है और ब्लेड आपका साफ हो जाता है तो इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं रहता है ट्रिमर से सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है जो बॉडी टू बॉडी इन्फेक्शन होता है उससे होने का ज्यादा डर रहता है इसलिए कोशिश करना चाहिए पर्सनल ट्रिमर ही सबको यूज करना चाहिए दोस्तों फंक्शन की मैं अच्छाई की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था उस समय लोग नाई के यहां बार बार क्या अपना बाल कटिंग कराने भी नहीं जाते थे ट्रिमिंग के लिए नहीं जाते थे उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए इसका एक्सपीरियंस दोस्तों अगर इसके बाद वेट की बात करें तो इसका वेट करीब साढ़े तीन सौ ग्राम के आसपास थ्री फोर्टी ग्राम के आसपास है और इसकी जो वर्ल्ड वाइड वारंटी मिलती है दो साल की वारंटी मिलती है और एक साल रजिस्टर करने के बाद इसकी वारंटी को बढ़ा सकते हैं दोस्तों कंपनी से बोलती है कि इसमें 21 साइज में ट्वेंटी वन साइज होते हैं इसके जिससे आप ट्रिम कर सकते हैं 21 साइज में और 21 इसलिए काउंट करती है कि जो ब्लेड निकालते हैं एक साइज है एक्स्ट्रा हो जाता है जो जीरो साइज है उसको भी वो काउंट कर लेते हैं सही से अगर समझा जाए इसे देखिए आप इसको लगाते हैं तो इसके बाद इसमें आसानी से लग जाएगा हैंडल हो जाएगा

Nova का काफी सस्ते सस्ते पांच छह सौ से स्टार्ट होता है ट्रिमर लेकिन जो फिलिप्स का ट्रिमर होता है वाकई में ट्रिमर बहुत ही अच्छा मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूं लेकिन मैं प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं बहुत ही अच्छा ट्रिमर अगर आप ट्रिमर लेना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम लगा के लीजिए लेकिन ऐसा ही ट्रिमर अच्छा लीजिए अगर इसको लेना चाहते हैं आप मॉडल नोट कर सकते हैं फिलिप्स ट्रिमर क्यूटी फोर जीरो डबल वन फ्लैश फिफ्टीन बहुत ही अच्छा ट्रिमर है तेईस सौ के आसपास की रेंज है लेकिन आपको अट्ठारह सौ से दो हजार के आसपास मिल जाएगा दोस्तों आप इस ट्रीमर को खरीदना चाहते हैं आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद अगर आप यूज करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करेगा कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा बहुत ही अच्छा ट्रिमर है अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा और अपने ओपिनियन और बताइए कि आपको और क्या क्या ऐसे इक्विपमेंट के बारे में बताऊं जिससे आपको हेल्प मिल सके खरीदने में परचेज करने में उसके रिव्यू में दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही टेक्निकल वीडियो अनबॉक्सिंग के वीडियो और रिव्यू वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं धन्यवाद दोस्तों